हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रजापति स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेवी एमआर पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे, मॉडल पेपर। तो वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। नेवी एमआर, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स वाई ग्रुप। तो देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए कि 10 आदमी किसी दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं, यानी कि 10 आदमी हैं, ये आपके मैन हैं, वो कितने हैं, 10 10 हैं, और किसी दीवार को यानी वर्क को कितने दिन में कर सकते हैं, वो 10 दिन 8 दिन में बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि ये आपका डे है, यानी कि डे 8 डेज है। तो बोला है कि इसी काम को आधे दिन में यानी कि हाफ डे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसे आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो इसे लिख लीजिए। M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड सोल्व वर्क सोल्व करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला। यानी कि ये है टोटल मैन, यानी कितने व्यक्ति हैं, और ये है डेज आपका, पहला डेज, और उसके बाद M2D2। इस तरह से आपको इस में सेट करोगे तो ये क्या बनेगा आपका। देखिए, यहाँ से मैंने इसे सेट किया 10 × 8 इज इक्वल टू, देखिए अब हमें M2 निकालना है तो हमने M2 को एज इट इज रखा और D2 बोला है उसमें हाफ डे में, यानी कि आधे दिन में कितने व्यक्ति हैं वो कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए, आपको यहाँ से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे आप तो M2 इज इक्वल टू आपके पास 160 है, जो आपका आंसर है 160, जिस ऑप्शन में आ रहा है वो आपका राइट हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट और बता दूं, देखिए M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। इस तरह से भी आपका यहाँ से भी क्वेश्चन है वो पुटअप किया जा सकता है। और यदि आपको टोटल वर्क दिया हुआ है W1 / W2, तो ये आपका फॉर्मूला है टाइम एंड वर्क में बहुत ज़्यादा काम आता है, यानी कि इतने व्यक्ति हैं वो किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं। तो वहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक डीलर 20% और 5% छूट पर 25,000 की वस्तु है, जिन पर यानी कि जो मार्केटिंग प्राइस है वो 25,000 है, वस्तु को खरीदता है और 2,000 रुपये उनकी मरम्मत के लिए खर्च करता है तो, और उसे 25,000 में बेच देता है, तो हानि या लाभ क्या होगा। अब देखिए, उस डीलर ने 25,000 यानी कि 25,000 में उसको खरीदा। उसके बाद देखिए, जब भी आपसे कभी यानी कि लाभ बोला जाए, यानी कि प्रॉफिट, तो वो पॉजिटिव होगा, यदि आपसे लॉस बोला जाए तो वो आपका नेगेटिव होगा। इसका आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट प्लस पॉजिटिव होगा और लॉस है वो आपका नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको 20% का क्या दिया है, डिस्काउंट, यानी कि हम इसे लिखेंगे 80/100। बोलोगे 80 कहाँ से आया, तो मैंने अभी बताया था, यदि आपका छूट है यानी डिस्काउंट है तो 80% माइनस हो जाता है, और यदि आपको बेनिफिट है तो पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद 5% की छूट है 95/100, और इसे मैंने काट दिया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गई और ये 3 0 से 3 0 फाइनली कट गई। 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 25 × 8 = 200 इज इक्वल टू 95। 95 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए क्या आ जाता है आपके पास, 19,000 है आ जाता है। अब उसने क्वेश्चन में और बोला है कि 2,000 रुपये है जो वो उसकी लागत में खर्च कर देता है, तो टोटल वस्तु कितने की हो गई, 21,000 की। कितने की हो गई भाई, 21,000 की। अब उसने उसको कितने रुपए में बेचा, 25,000 में। कितने में बेच दिया, 25,000 में उसको बेच दिया। अब यहाँ से देखिए कितने का लाभ हुआ, 400 रुपये का, सॉरी 4,000 का। कितने पर हुआ, 21,000 पर।
इंटू 100, यहाँ से आप इसे काटोगे तो आपके पास ऑप्शन है 90.5%, यानी कि इसको ऑप्शन के अप्रोक्सीमेटली है जो आपका आंसर वो आ जाएगा, और आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था गाइज आपका सेकंड क्वेश्चन, आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपसे कि एक व्यापारी है, उसके पास टोटल है जो 100 किलो चीनी है। कितनी चीनी है? टोटल 100 किलो चीनी है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसका कुछ परसेंट 8% और कुछ 18%, कुल मिलाकर 14% लाभ होता है। तो लाभ जो लाभ पर बिक्री है, यानी कि जो 8% लाभ और 14% लाभ है उस पर आपको, सॉरी, जो 8% और 18% है उस पर अलग अलग बताना है। देखिए इसे हम कैसे करेंगे, एक हुआ आपका 8% का, दूसरा हुआ आपका 80 सॉरी दूसरा कितना 18% का, ओवरऑल कितना हुआ 14 का। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसमें आप एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन में देखिए ये एक संख्या बड़ी होनी चाहिए एक छोटी, यहाँ मैंने इसको घटाया तो ये आपका आ गया 4, यहाँ मैंने इसको घटाया ये आ गया आपका 6। अब ये टोटल कितना बन रहा है आपका 10, 10 यूनिट बन गया। 10 यूनिट की वैल्यू है वो आपको कितनी दी है, 100 दी है। 10 यूनिट की वैल्यू है वो आपको 100 दी है, यानी कि 1 = आपका 10 आ जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 1000 है तो 1000 कर लीजिएगा आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 40 हो जाएगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 60 हो जाएगा। यहाँ पर 1000 होता तो ये 400, ये 6000, ये 400, ये 600। तो इस तरह से जो इसका लाभ है वो हो जाता है। आशा करता हूं कि अच्छे से क्वेश्चन है जो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 28, 34, 37, 42, उसके बाद 56, 59, 67, 28 और 15 और उसके बाद 32। इनका आपको क्या बताना है, माध्य बताना है। तो सभी को ऐड कीजिए, सभी को आपने ऐड किया और इस जो जितनी भी संख्या है 10 संख्या है इससे आपने ऐड किया तो ये आ जाता है आपका, इतना आ जाता है। तो इसमें मैंने 10 से डिवाइड किया तो इसका जो फाइनली आंसर है गाइस वो आपका बन जाता है 38.8। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपके जो आपका मॉडल पेपर है उसमें दिया हुआ है, इसी तरह का आपका एग्जाम में भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x²-8x+15 = 0, फाइंड आउट द रूट। यानी कि इसके आपको रूट बताने हैं, जो इसके मूल है वो बताने हैं। तो इजी है बिल्कुल, x² मैंने लिखा, इसको आपको ऐसे टुकड़े बनाने हैं जो इनका ऐड है वो एडिशन -8 हो जाए, और जो इनका सॉरी इनका मल्टीप्लीकेशन है जो एडिशन है वो -8 हो जाए और मल्टीप्लीकेशन 15 हो जाए। तो देखिए इसमें मैंने क्या लगाया, -5x-3x+15। यहाँ से जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे, x² है, एक्स कॉमन लिया x-5, -3 कॉमन लिया x-5, एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है, एक तो 5 और एक आ जाती है 3। तो ऐसे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 5,3। आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाए करेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, रोज अपलोड कर देता हूं मैं वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल है और इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इसकी इज इक्वल टू है। तो आपको क्या दिया हुआ है, ये आपका ट्रायंगल बन गया, इसमें आपको इसकी वैल्यू दी है 4 और इसकी वैल्यू दी है 3। मैं रेशो में दिया हुआ है, यानी 3 और 4 रेशो में दिया हुआ है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको 4a मान लिया। अब ये 4a मान लिया, मैंने यहाँ से इसमें मीडियन खींचा तो ये वैल्यू है 2a आ गई, ये वैल्यू है 2a आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है
कि दो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें 2a और 3a, इसका जो रेशो है ये आपको 3 और 4 दिया हुआ है, तो पूरे ट्राइंगल का आपको एरिया भी दिया हुआ है। अब हमें पूरा ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसकी ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको कैसे निकालोगे, ये आपका हो जाता है, इसे आप निकाल लोगे, इसका स्क्वायर 9a² - 4a², तो ये आ जाता है आपके पास a√5, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय आप लगाकर इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्या फॉर्मेट है, वो कुछ इस तरह का बन जाता है, ये 2a, ये 2a, ये a√5, ये 3a। आप इसका जो एरिया है वो इजीली निकाल सकते हैं, 1/2, आधार आधार क्या है आपका 2a इंटू ऊंचाई यानी कि लेंथ, हाइट है हाइट a√5, इसको आपने निकाला, यहाँ से 2 कैंसिल किया तो ये आ गया आपके पास a²√5। अब आपके पास a²√5 है जो इसकी वैल्यू आ गई, आपको बोला है कि इस पूरे का जो एरिया है वो दिया हुआ है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पूरे का एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2a²√5 = 18√5 आपको दिया हुआ है, 5 से 5 कैंसिल और यहाँ से 2 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, तो a की वैल्यू है हमारे पास 3 आ जाती है। उसने क्या पूछा है, इसकी जो लेंथ है वो पूछी है, तो ये 4a है, मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 = 12, राइट आंसर है आपका 12। ओके आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लड़का है शांतुन और उसकी टोपी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर ऊंची है, 24 सेंटीमीटर, 7 और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, उसका वृत्ताकार है, इस प्रकार की 5 टोपी बनाने के लिए कितनी शीट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी मान लीजिए मैंने टोपी बना दी और जो आपको ये लेंथ है वो 7 दी हुई है, ये 24 दी हुई है, अब हमें निकालना है इसका एरिया यानी कि सरफेस एरिया निकालना है, वो होता है आपका पाई आर एल। अब यहाँ पर मेरे पास आर तो है बट एल नहीं है, तो एल कैसे निकालेंगे, वही आपका मेथड है, 7 का स्क्वायर 49 + इसका स्क्वायर 576, इसको आपने किया यानी कि आपके पास हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू फाइनल है जो आ जाएगी आपके पास 25। वैल्यू रखो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास आ जाती है 7 यानी दी हुई है और 25, तो ये आपके पास इतनी आ गई यानी कि 22 × 25। अब उसने बोला है इस तरह की 5 टोपी बनानी है, तो 5 टोपी बनाने से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए उसके बाद क्या क्या आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 110 × 25, फाइनल जो आंसर है आपके पास 2750। एक ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको, टिक कर लेना है आपको, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है cos²x + sec²x फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको यदि भी देखिए मैंने आपको बताया x + 1/x, यदि आपको इस फॉर्म में मिले यानी कि जो फलन है फंक्शन है वो आपको इस फॉर्म में मिले x + 1/x और उसकी आपसे यानी x²/1/x² इस फॉर्म में मिले और आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है कि इनके कॉफिशियंट है वो ऐड हो जाते हैं यानी 1 + 1 = 2। अब यहाँ से आपके एक्सपेक्टेड क्या क्या बन सकते हैं, कॉस की जगह आपको साइन दे दिया sin²x + cos²x, इस तरह से आपका tan²x + cot²x, क्योंकि ये दोनों है जो कैसे हो जाते हैं, इनवर्सली हो जाते हैं, तो इस तरह से इसका आंसर है वो 2 राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखिए क्या है कि दो शर्ट हैं आपके पास, दो साड़ी और आपकी 6 4 शर्ट हैं, 2 साड़ी 4 शर्ट हैं, वो 16,000 की है, 16,000 की है, एक साड़ी है
उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 6 शर्ट के बराबर है। आपसे पूछा है कि 12 शर्टों का मूल्य क्या होगा, यानी कि 12 शर्ट आपसे पूछी है। अब इसे देखिए कैसे लिख सकते हैं अपन। इसको मैंने साड़ी को एक्स मान लिया और शर्ट को वाई मान लिया, तो 2x+4y इज इक्वल टू 16,000। इसमें से मैंने x+2y इज इक्वल टू 800 ऐसे इसे लिख लिया। उसके बाद आपको ये शर्त और दी हुई है कि x इज इक्वल टू 6y और लिख सकते हैं हम। मैंने इसे लिखा 8y इज इक्वल टू 800। 8 से ये कितने बार कट गया, 100, सॉरी 1000 टाइम्स। तो y की वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है 100। अब उसने पूछा है कि 12y की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 12 आपके पास शर्ट है उनकी वैल्यू क्या होगी। तो इसे 12 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 12,000 आंसर है वो आपका राइट हो जाता है। आज वीडियो समझ में आ गया होगा सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है के एक्स प्लस 3y-k+3 इज इक्वल टू 0, 12x+ky इज इक्वल टू के। इसके इनफाइनाइट यानी कि जो सॉल्यूशन है इसका इनफाइनाइट आता है, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। अब देखिए आप अलग अलग टाइप से यदि इसे करोगे तो इसके मान अलग अलग आएंगे, बट दो ही क्वेश्चन से आपको इसका मान है वो सेम मिलेगा। आपको इसको किस तरह से चेक करना होगा, देखिए यहां से इन दोनों पदों को उठा लिए, यहां से मैंने उठाया, यानी कि आपको पता होगा जब किसी भी इक्वेशन के जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका ध्यान रखना है, टेक्निकल में भी काम आता है नॉन टेक्निकल में भी, यानी दोनों में इस तरह के क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाते हैं, नोट कर लीजिए यदि आपको पता नहीं है तो। यहां से मैंने देखिए क्या उठाया, मैंने इसको उठाया 3। 3 के नीचे मैं क्या रखूंगा, 3 के नीचे मैं रखूंगा k, क्योंकि y का कोफिशियंट k है। -k+3 लिया, वहां क्या है देखिए k को इधर लाओगे तो -k हो जाएगा। कैसे k कट गया, -3 इज इक्वल टू -k+3। अब यहां से आप वैल्यू निकालोगे k इज इक्वल टू 6 आएगा, बिल्कुल यही राइट आंसर है आपका, k इज इक्वल टू 6। आपको दो तीन इक्वेशन से इसे सेटिस्फाई कराना होगा, बट मैंने आपको एक इक्वेशन में बता दिया इसका आंसर है वो आपका 6 आने वाला है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। फ्रेंड्स इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर ले, जिन लोगों ने कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो देखिए वीडियो को आपको कम से कम दो तीन फ्रेंड्स और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना होगा, ताकि यदि आप लोग मेरी हेल्प करोगे तो मैं उससे ज़्यादा आपकी हेल्प करूँगा। तो इस वीडियो को हो सके जितना आपको शेयर करना है आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वगैरह पे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।